क्या स्टील सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, एक आर्टिकल के थ्रू मैं जा रहा था जहां पे मेरी नजर पड़ी इसी टॉपिक के ऊपर। और जो तमाम बड़ी स्टील कंपनी, चाहे वो सेल हो, टाटा स्टील हो, उसको टारगेट की बात दे रही थी, उसमें एक टारगेट की बात कही जा रही थी और रैशनल ये बताया जा रहा था कि आखिर क्यों स्टील सेक्टर के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत बहुत अच्छा है, और जो टॉप कंपनी स्टील सेक्टर की वो कैसे आने वाले समय में जो है एक काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है। इस वीडियो का जो मेन मकसद दोस्तों वो टारगेट बताना नहीं है, वो ये बताना है कि कैसे कुछ जो आप कह सकते हैं इवेंट्स हुए हैं वो स्टील के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, और खास करके जो भारतीय स्टील कंपनीज हैं उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दाम मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं स्टील सेक्टर के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसा कहा क्यों जा रहा है कि आने वाले समय में जो स्टील की कंपनीज हैं वो काफी अच्छे आप कह सकते हैं रिटर्न दे सकती हैं। तो एक एक करके दोस्तों मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट पॉइंट है आप समझे कि कहा यह जा रहा है कि जो डोमेस्टिक स्टील जो आप कह सकते हैं डिमांड है वो लगभग 6 से 7% बढ़ेगी, 6 से 7% ग्रोथ दिखाएगी, ऐसी बातें कही जा रही हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और सिर्फ यही रीजन नहीं है कि 6 से 7% बढ़ेगा तो भाई बहुत शानदार चीज हो रही है, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन वो मैं बताऊंगा पॉजिटिव चीज। लेकिन दोस्तों उससे पहले, अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये कॉन्टेंट और जो मैं कॉन्टेंट बनाता हूँ वो ये नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब अगला बात करता हूँ जो थोड़ी दुखद थी, वो है टर्की में आया इतना भयंकर, इतना दर्दनाक कह सकते हैं भूकंप दोस्तों। ठीक है, वो भूकंप आया तो ये भारतीय स्टील कंपनीज के लिए अच्छा क्यों है? आप एक चीज समझिए, जो टर्की है, जो तुर्कवे आजकल उसने उन्होंने शायद नाम चेंज कर दिया है, वो जो है 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। जी हाँ दोस्तों, वो 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। और बट जिस तरह से वहां चीजें हो चुकी हैं, अब ये नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा कह लीजिए प्रोडक्शन कर पाएगा, और वो जो प्रोडक्शन का गैप है उसका फायदा हमारी भारतीय कंपनीज को, भारतीय स्टील कंपनीज को आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए आने वाला समय डोमेस्टिकली जो 6 से 7% की बढ़ोतरी दिखा रहा है, रीजन क्या है आपको पता होगा, सरकार बहुत बहुत ज्यादा फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, रोड बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन पे, डैम्स में, ब्रिजेस में। तो इसका सीधा सीधा फायदा हमारे यहाँ की स्टील कंपनीज को होगा। प्लस दूसरा, तुर्की में जो आया, जो ये आप कह सकते हैं भूकंप है, उसके कारण जो एक प्रोडक्शन गैप आएगा, जनरेट होगा, उसका फायदा सीधा सीधा हमारी भारतीय कंपनीज को होगा। ठीक है, ये तो बात होगी प्रोडक्शन की। पिछले कुछ समय से जो एक प्राइसिंग को लेकर इशू चल रहा है, जो इतनी सस्ती चीजें बन रही थी स्टील में, इतना ज्यादा सस्ता हो गया था जिसके कारण जो प्रॉफिट थी वो उस कदर हमको दिख नहीं रही थी, वो भी एक बड़ा इशू था तमाम कंपनीज के लिए। तो देखिए, उसको लेकर के अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो जो आप बात करते हैं, सबसे पहले बात करूंगा जो चाइनीज एक्सपोर्ट HRC है। अब आप बोलेंगे भाई ये HRC क्या होता है? देखिए, एक एक फाइनेस्ट फॉर्म है, जो फाइनेस्ट लास्ट फॉर्म है जो स्टील प्रोडक्शन में निकलता है, जिसको बोल रहे हैं हॉट रोल्ड कॉइल। तो इसकी अगर बात करूं तो चाइनीज एक्सपोर्ट जो है हॉट रोल्ड कॉइल है, उसका जो प्राइस है वो 9% बढ़ चुका है दोस्तों। कितना? $640 फ्रॉम थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 23। ठीक है, जो कि पहले था दोस्तों कितना, $585 फाइनेंशियल 23 की तब लगभग आप ये कह सकते हैं ये था $585, जो अब 9% बढ़ के $640 पर टन हो गया है। ये पर टन का ट्रेड है ना दोस्तों। ठीक है, वाइल चाइनीज डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस हैव ऑल्सो इतनी 6%, चाइना की जो डोमेस्टिक स्टील प्राइस है उसमें भी 6% का उछाल हुआ है, यानी एक पॉजिटिव चीज है। वहां पे डिमांड बढ़ रही है, वहां पे भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और वहां पे स्टील का महंगा होना इट्स अ गुड साइन। ठीक है, जो कि क्योंकि वहां पे भी 635 पर टन हो चुका है, जो कि पहले $601 पर टन था दोस्तों। और ये किस बात की इशारा कर रहे हैं, जो बहुत पहले आप कह सकते हैं कि डरा रहा था चीजें, क्या चाइना लॉकडाउन, अब ये सो इशारा कर रहे हैं कि भाई हाँ वहां पे चीजें खुल रही हैं, चीजें ओपनिंग हो रही है, और ये स्टील सेक्टर के लिए, इंडिया के लिए बहुत बहुत शानदार चीज है दोस्तों। ठीक है, आप देखें चाइनीज एबिटा स्प्रेड्स कंटिन्यू टू रिमेन निगेटिव, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू करंट प्राइसेस। ठीक है, जो जो करंट प्राइस है उसे काफी हद तक ये सपोर्ट करेगा, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अब भाई साहब बात करते हैं हमारे डोमेस्टिक एरिया की। तो देखिए, डोमेस्टिक स्टील ऐसा HRC है, हॉट रोल्ड कॉइल,
वो भी आप देखेंगे स्पॉट प्राइस एट 59,300 पर टन लेवल्स, जो कि 6% हायर है। वहां पर भी जो एक इश्यूज थे कि भाई सस्ती बहुत चीजें, वहां पर भी प्राइसेस बढ़ती दिखाई दे रही है, जो कि 6% बढ़े हैं फ्रॉम थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 एवरेज लेवल्स एंड करेंटली एट 3% डिस्काउंट एट चाइनीज। चाइना के जो प्राइसेस है उससे 3% डिस्काउंट पे मिल रही है, ठीक है, पार्शियली प्रेयर एंड 4% बिलो इंपोर्ट पैरिटी प्राइसेस, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं भाई एक और चीज की, कुकिंग कोल की, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा असर करता है उसके इंपोर्ट प्राइसेस में स्टील इंडस्ट्रीज के। देखिए इंटरनेशनल स्पॉट कुकिंग कोल प्राइसेस हैव रिजन -31% फ्रॉम थर्ड क्वार्टर 23 एवरेज अलोर $385 पर डॉलर, पर टन, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम चीज जो दोस्तों वो अब कह सकते हैं जो नेगेटिविटी थी, जो इश्यूज थे वो पीछे जा चुके हैं। हमें सामने क्या दिख रहा है, अच्छी डिमांड, चाइनीज ओपनिंग, टर्की में जो गैप आया प्रोडक्शन है वो। मैं ये नहीं कहता इसके कारण स्टील प्राइसेस बस भागने लग जाएंगे, तबाही मच जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि जो आने वाले 2-3 quarters हैं वो काफी हद तक अच्छे होने वाले हैं दोस्तों, और यदि कोई बड़ी गिरावट होती है तो वो मात्र एक आप कह सकते हैं खरीदारी का मौका होगी। डिस्क्लोजर के रूप में कुछ स्टील कंपनीज में मेरी करेंटली होल्डिंग है दोस्तों, और बात करें कि भी टारगेट्स की, क्या आखिर स्टील प्राइस में टारगेट क्या दिए गए थे, तो मैं आपके साथ बता दूं जो एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग है उन्होंने जो टारगेट दिए हैं, आप देखें टाटा स्टील के लिए 131 रुपए, बात करें जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के लिए तो वो 676 पे, ठीक है, और उसको होल्डिंग का टारगेट दिया गया है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो टारगेट प्राइस है वो 91 है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जे कह सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील पे 650 का टारगेट है। तो ये तमाम टारगेट्स दोस्तों, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा आपके साथ शेयर किया। मुझे ये लगता है अगर कोई बड़ी गिरावट होती है इट विल बी गुड फॉर द स्टॉक प्राइस में, इट विल गुड टू एक्यूमुलेट। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, ये एक साइक्लिकल बिजनेस है, स्टील प्राइजेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। वो निवेशक जो फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते, प्लीज सेक्टर से दूर रहें, प्लीज स्टील स्टॉक से दूर रहें। और यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आए, छोटी सी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके कोई सवाल हो जरूर रखिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।